सिकंदराबाद में सोमवार की रात एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा है कि आग तेजी से इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम के ऊपर स्थित होटल में फैल गई। अधिकारियों को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा है। पार्किंग एरिया, शोरूम और बेसमेंट में लगे वाहनों में आग लग गई, जिससे धुआं निकला। होटल के कर्मचारियों और मेहमानों ने आग और धुएं को निकलते देखा और दमकल विभाग को सूचित किया। पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया और कहा है कि सभी घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉज में रहने वाले वे लोग थे जो काम के लिए अन्य जगहों से शहर आए थे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को कमरे की खिड़की के बाहर खड़े होकर और नाली की पाइपलाइनों का उपयोग करके नीचे चढ़कर आग से बचने की कोशिश करते देखा जा सकता है। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली और शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने घटनास्थल का दौरा किया। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हैदराबाद के रविंद्र भारती में गौड़ कंठम पत्रिका के 8वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंत्री श्रीनिवास गौड़ थे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने इस अवसर पर गौड़ा कंथम पत्रिका के संपादकों सिंधु गौड़ को बधाई दी। मंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं की खबरें तेजी से बढ़ रही है। गौड़ सामाजिक वर्ग को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी जातियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि पद स्थायी नहीं है और पद ना होने पर भी वह हमेशा लोगों का समर्थन करेंगे। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल बिरकुर स्थित बीसी पाठशाला का दौरा किया। उन्होंने हाल ही में साई राज नाम के एक छात्र की सांप के काटने से मौत के संबंध में पूछताछ की। बाद में साई राज के परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करे और छात्रावास में छात्रों को बिस्तर और सुविधाएं मुहैया कराए। ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी से तारनाका डिवीजन के शांतिनगर में आर्य नगर बस्ती के निवासियों ने मुलाकात की। उपमहापौर ने शिविर कार्यालय में अपनी समस्याएं बताई। बस्ती वासियों ने आर्य नगर में नए सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू करने के लिए उपमहापौर को एक याचिका सौंपी है। इस अवसर पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमहापौर ने आश्वासन दिया है कि वह तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान जल्द करेंगे। भारतीय जनता महिला मोर्चा इस महीने की 15 तारीख को तिरंगा यात्रा करेगा। चारमीनार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक परेड ग्राउंड होते हुए करीब 1000 महिलाएं बाइक रैली का आयोजन करेंगी। भाजपा नेता गौतम राव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी इस तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि होंगे, इसीलिए उन्होंने कॉलेज के सभी छात्रों से बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने का अनुरोध किया। बीजेपी हैदराबाद सेंट्रल जिला अध्यक्ष डॉक्टर एन गौतम राव ने घोषणा की है कि 16 को अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में लिंगमपल्ली में शोभिल्ला खान का कार्यक्रम होगा और 17 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना मुक्ति दिवस पर झंडा फहराएंगे। मेडचल जिले के घटकेसर मंडल के एमपीडीओ कार्यालय में मंडल की सर्वदलीय बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हाल ही में टीआरएस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए एमपीपी सुदर्शन रेड्डी का अनुभव कड़वा रहा। टीआरएस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एमपीडीओ कार्यालय में गांधी प्रतिमा पर एमपीपी और एमपीटीसी के पदों से इस्तीफा देने की मांग की, क्योंकि टीआरएस पार्टी ने बी फार्मा जीता और बीजेपी शामिल हो गए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा तेरास के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। इससे स्थानीय पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया।
इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ एसएससी और एसटी ने कहा है कि वे अंबेडकर के नाम पर नए संसद भवन का नाम रखने के सीएम केसीआर द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने इसके लिए सोमाजीगुड़ा में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। लोकप्रिय गायक गदर प्रेस क्लब की बैठक में मुख्य अतिथि थे। गदर ने यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री केसीआर नए संसद भवन का अंबेडकर के सम्मान में नाम रखने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अंबेडकर भारत के नेता है और ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। तेलंगाना जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना चाहिए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद शहर की सीमा में पबों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि रात 10 बजे के बाद पबों में कोई आवाज़ नहीं सुनी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि राज्य कर विभाग पबों को परमिट के मामले में प्रति याचिका दाखिल करे। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि प्रति याचिका में शहर की सीमा में जारी पबों की संख्या का उल्लेख किया जाए। रिहायशी इलाकों में पबों की अनुमति, पबों में शराब की बिक्री और तेज आवाज वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस मौके पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने उन जगहों पर पबों को अनुमति कैसे दी गई जहां पर घर और शिक्षण संस्थान है। हाईकोर्ट ने रात में पब में सिर्फ शराब परोसने के आदेश जारी किए हैं, किसी भी ध्वनि या नृत्य की अनुमति नहीं है। अदालत ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पबों और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी मांगी। कोर्ट ने शहर की सीमा के तीनों पुलिस आयुक्तों को इस मामले में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। एसआई श्रवंती रेड्डी ने खम्भम जिले के नेलाकोंडा पल्ली मादिगा कॉलोनी में जाति के नाम पर युवक का अपमान किया। उन्होंने जाति के नाम पर युवक को बुरा भला कहा। उपस्थित लोगों ने कहा है कि एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत एसआई के लिए जाति के नाम पर युवाओं और स्थानीय लोगों का अपमान करना शर्मनाक है। उन्होंने मादिगा युवक का अपमान करने वाली एसआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एसआई श्रवंती रेड्डी को तत्काल नौकरी से हटाया जाए। पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि गांजा कर्नाटक और महाराष्ट्र से ले जाया जा रहा था। रचकोंडा पुलिस ने बताया कि 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा है कि गांजे की कीमत 2,00,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि 3 कारों को जब्त कर लिया गया है। वरिष्ठ अभिनेता और राजनेता कृष्णम राजू का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया है। कृष्णम राजू का अंतिम संस्कार मोइनाबाद के कनक मामिड़ी फार्म हाउस में आधिकारिक रूप से किया गया। पुलिस ने हवा में फायरिंग की और बंदूक की सलामी दी। प्रभास के भाई प्रबोध ने अपने ताऊ को मुख्य अग्नि दी। कृष्णम राजू के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। केवल परिवार के सदस्यों, मशहूर हस्तियों, रिश्तेदारों और कुछ गिने चुने लोगों को ही अंतिम संस्कार में आने की अनुमति दी गई है। जहां कृष्णम राजू का अंतिम संस्कार हुआ, वहां कई टॉलीवुड हस्तियां भी पहुंची। कनक मामिड़ी फार्म हाउस कृष्णम राजू की बहुत पसंदीदा जगह है। अपना शेष जीवन फार्म हाउस में बिताने की सोचकर उन्होंने घर बनाना भी शुरू किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे परिवार के सदस्यों ने कनक मामिड़ी फार्म हाउस में अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। बिग बॉस शो को लेकर भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण आलोचना जारी है। उनका कहना है कि बिग बॉस शो से समाज को कोई फायदा नहीं है, बल्कि यह समाज में अश्लीलता फैलाता है। हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो में नागार्जुना के घर में रोहित और मीरा बुलाया गया है और उनसे कहा गया है कि आप दोनों आलिंगन करें। साथ ही नागार्जुना ने यह भी कहा है कि बिग बॉस में आप पति पत्नी है, इसीलिए आप आलिंगन कर सकते हैं। नारायण ने सवाल किया है कि बिना किसी भी जोड़े को आलिंगन के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तिरुपति ग्रामीण बालाजी डायरी के पास सड़क दुर्घटना में हैदराबाद के रहने वाले कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग मिनी बस में सवार होकर तिरुमला गए। पुलिस ने उनकी पहचान हैदराबाद के रमनतापुर अंबरपेट रामनगर के रहने वाले परिवार के सदस्यों के रूप में की।
कानीपाकम से वापस लौटते समय मिनी बस आगे जा रहे वाहन से बचने का प्रयास में पलट गई। इस हादसे में 19 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया।